हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं एक और जीएल सीरीज़ को लेकर जिसका नाम लव सीनियर है। ये सीरीज़ इसी वीक रिलीज हुई है जिसका अभी तक एक एपिसोड ही आया है और मैं इस सीरीज़ को दो पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। इस पार्ट में मैं 1 और 2 को एक्सप्लेन करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में 3 और 4 पार्ट को एक्सप्लेन करूँगी। तो अब हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। इस सीरीज़ के स्टार्टिंग में हम हमारे फीमेल लीड मनाव को देखते हैं, जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम मनाव है और मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। तभी मनाव दूसरे स्टूडेंट को भागते हुए देखती है और वो सब कहते हैं कि जल्दी चलो, सीनियर बुला रहे हैं। और मनाव चलते चलते प्लेग्राउंड की तरफ आती है, जहाँ पर वो देखती है कि सीनियर अपने मन के मुताबिक जूनियर को ऑर्डर दे रहे हैं और जूनियर उन सब सीनियर का कहा हुआ बात को फॉलो करते हैं। और मनाव ये सब देख कर उसे कुछ याद आता है, जहाँ पर मनाव अपने भाई फोंग से बात करती है कि क्या सच में मुझे सीनियर का सिग्नेचर लेना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो फोंग कहता है तुम्हें लेना ही पड़ेगा, अगर नहीं लोगी तो तुम रिजाइन दे दो। तो मनाव कहती है मैं जस्ट अभी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली हूँ, तो मैं अभी रिजाइन दे दूँ ये हो ही नहीं सकता, कुछ रास्ता तो होगा। तो फोंग आइडिया बताता है कि तुम्हें हेड सीनियर का सिग्नेचर लेना पड़ेगा जो कि तुम्हारे डिपार्टमेंट का हो, और तुम सेकेंड ईयर हेड सीनियर का सिग्नेचर ले लो, वो तुम्हारे लिए ईजी होगा। और एक क्वेश्चन करता है कि सब सीनियर का सिग्नेचर लेने से अच्छा कौन सा तरीका तुम्हारे लिए इजी है। तो मनाव कहती है कि हेड सीनियर का सिग्नेचर लेना आसान होगा, मैं आसानी से ले लूँगी। तो ये सुनकर फोंग कहता है क्या तुम इजी कह रही हो, लास्ट ईयर पूरे यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही स्टूडेंट हेड सीनियर का सिग्नेचर ले पाई और तुम इसे इजी कह रही हो, अगर ऐसा ही है तो तुम जाकर ट्राई कर सकती हो। और प्रेजेंट में मनाव ये सब सोच रही होती है, तभी वो कुछ सीनियर को अपने तरफ आते हुए देखती है और वो दोनों धक्का देकर चले जाती है। तभी पीछे से एक लड़का मनाव से नंबर मांगता है और कहता है ये सब करने को सीनियर ने कहा है, और हमें पता चलती है ये ऑर्डर वही सीनियर करती है जो कि मनाव को धक्का दी थी। और मनाव वो दोनों से कहती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, और वो लड़का को हम देखते हैं जो बेहोश हो जाता है। तो सब उसे साइड करते हैं और एक लड़की मनाव के पास आती है और मनाव बिना देखे कहती है अगर नंबर लेने आए हो तो तुम्हें ये सब करने से कोई फायदा नहीं होगा, तो तुम सब चले जाओ। तभी वो लड़की कहती है क्या तुम मुझे नहीं पहचानी, यस्टरडे हम दोनों एक साथ क्लास किए थे। तो मनाव को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसका नाम लुकतान है, और लुकतान पूछती है क्या तुम एक भी सिग्नेचर ले पाई, और ये कहकर अपना सिग्नेचर का लिस्ट दिखाती है जिसको बहुत सारे सिग्नेचर सीनियर दे चुके हैं। और ये देखकर मनाव हैरान हो जाती है और मनाव पूछती है क्या तुम हेड सीनियर से मिली हो या नहीं। तो लुकतान कहती है कि मैं मिल चुकी हूँ, जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मुझे काफ़ी डर लगता है। तभी पीछे से एक लड़का अनाउंस करता है कि हेड सीनियर यहाँ पर आ चुके हैं। तो सब ये सुनकर अपना हुलिया ठीक करने लगते हैं और मनाव पीछे घूरकर देखती है और हमारे फीमेल लीड गोयजा का एंट्री होता है जो कि सेकेंड ईयर हेड सीनियर है। और मनाव इसे देखकर उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जो बाहर में टकराई थी, और वो लड़की माफ़ी मांगकर चले जाती है और मनाव इसे देखकर स्माइल करती है। और प्रेजेंट में मनाव गोयजा से पूछती है क्या तुम सेकेंड ईयर हेड सीनियर हो, क्या तुम मुझे अपना सिग्नेचर दे सकती हो। तो ये सुनकर गोयजा कहती है मेरे सिग्नेचर के बदले तुम क्या दोगी। तो मनाव कुछ भी करने का प्रॉमिस करती है। तभी सीन शिफ्ट होती है और गोयजा की फ्रेंड जिसका नाम लादा है वो पूछती है क्या तुम सच में मनाव को फ्रेशी कॉन्टेस्ट में परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट कर रही हो। तो गोयजा कहती है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, वो खूबसूरत है और पर्सनैलिटी भी अच्छी है, तो मनाव से अच्छा और कोई हमें मिल सकता है। तो लाडा हाइट इशू बताती है कि मनाव से लंबा लड़का कहाँ से मिल पाएगा। तो गोयजा उसे स्ट्रेस लेने को मना करती है और कहती है सब इंतज़ाम हो गया है। तभी वहाँ पर कोई नॉक करता है तो गोयजा अंदर आने को कहती है और हम देखते हैं एक लड़का इन दोनों के पास आता है, और ये वही लड़का है जो मनाव को प्रपोज किया था, और इसका नाम अली है। और ये कहता है कि मैं कुछ भी नहीं किया हूँ तो क्यों मुझे यहाँ पर बुलाया गया। तो गोयजा इसे शांत रहने को कहती है। तभी लाडा पूछती है क्या तुम इसे कॉन्टेस्ट के लिए सिलेक्ट करने वाली हो। तो गोयजा कहती है अली दूसरे स्टूडेंट के तरह नहीं है, बस तुम देखो, और ये कहकर चश्मा निकालने को कहती है और हेयर को ऊपर करने को कहती है। तो अली अपना चश्मा निकालता है और जैसे ही हेयर को ऊपर करता है तो ये दोनों ही इसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतना हैंडसम फेस एक चश्मा को पहनकर छुपा कर रखा था। और गोयजा कपड़ा निकालने को कहती है तो ये सुनकर अली कहता है तुम दोनों मेरे साथ क्या करने वाली हो, मैं अपना कपड़ा नहीं निकालूंगा। तो गोयजा कहती है क्या मैं उस तरह की लड़की लगती हूँ। तो अली ना कहता है और अपना शर्ट निकालता है, और लाडा अली के बॉडी को देखकर लट्टू हो जाती है और कम्प्लीमेंट देती है कि गोयजा तुम्हारा चॉइस अच्छा है। और गोयजा कहती है मैंने कहा था ना कि मैं सब देख लूँगी, और अब तुम्हें इसका लुक को बेटर करना है।
और ये जिम्मेदारी देकर चले जाती है और अली जल्दी से शर्ट पहन लेता है। तो दूसरी तरफ मनाव की फ्रेंड खाने पर चढ़ने के लिए पूछ रहा होता है और मनाव इसके लिए मना कर देती है और इसी बात पर ये दोनों छोटी सी बहस करने लगते हैं। और ये लड़का जिसका नाम जाओजोम है वो ना एक पेपर को मनाव की तरफ फेंकता है तो ये पेपर वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की को हिट कर देता है। तो मनाव ये देखकर उससे माफ़ी मांगती है और माफ़ी मांगकर चले जाती है और ये लड़की मनाव को देखकर पहली नज़र में ही उसे पसंद कर लेती है। और इसके बाद मनाव गोजा के पास आती है और गोजा उसे हेलमेट देती है। तो मनाव कहती है मैं आज राइड करूँगी। तो ये सुनकर गोजा कहती है क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो। तो मनाव कहती है मैं हेवी हूँ तो मैं नहीं चाहती कि तुम स्ट्रगल करो, इसलिए मैं राइड करना चाहती हूँ। तो गोजा रेडी हो जाती है और मनाव फिर से कहती है मैं तुम्हारे लिए राइड कर रही हूँ तो क्या तुम इसके बदले सिग्नेचर दे सकती हो। तो गोजा मजाक करने को मना करती है। तो मनाव पूछती है हम दोनों कहाँ पर जा रहे हैं। तो गोजा पटाया जाने को कहती है और स्कूटी पर बैठती है। तभी मनाव अचानक से ब्रेक लगा देती है तो गोजा डर से उसे पकड़ लेती है और थोड़ा सेफ्टी में राइड करने को कहती है और ये कहकर अपना हाथ हटाती है। तो मनाव इसे ज़ोर से पकड़ने को कहती है कि जब हम इतने दूर जा रहे हैं तो तुम्हें अच्छे से पकड़ना चाहिए। एंड देन ये दोनों निकलते हैं और हम पटाया बीच के सामने इन दोनों को बैठे हुए देखते हैं और गोजा कहती है ये सेमेस्टर हम दोनों साथ ही में रहेंगे तो हमें एक दूसरे को बेहतर तौर पर जाना चाहिए और मैं जानती हूँ फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब मुझे देखकर डरते हैं तो क्या तुम भी मुझसे डरती हो। तो ये सुनकर मनाव कहती है मैं नहीं डरती क्योंकि मैं तुमसे पहले मिल चुकी हूँ। तो ये सुनकर गोजा पूछती है कि हम दोनों कब मिले। तो मनाव गोजा का चश्मा निकालती है और गोजा इसे बिना चश्मे को देखकर उसे याद आता है कि उस दिन एक लड़की से टकराई थी और ये और कोई नहीं मनाव ही है। और मनाव फिर से मजाक करती है कि तुम मुझसे उस दिन माफ़ी मांगकर चले गई थी और ये कहकर हंसने लगती है। और इसके बाद मनाव नोटिस करती है कि गोजा को ठंड लग रही है तो मनाव अपना जैकेट निकालकर उसे पहनाती है और फिर कभी इतना पतला शर्ट यानी कि ट्रांसपेरेंट टाइप का शर्ट पहनने को मना करती है। तो ये सुनकर गोजा पूछती है क्या तुम लड़की को पसंद करती हो। तो मनाव कहती है मेरे लिए जेंडर मैटर नहीं करता है, अगर मैं जिसे पसंद करती हूँ वो चाहे लड़का हो या लड़की इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ उसे एक्सेप्ट कर लूँगी। और ये सब कहकर पूछती है क्या तुम मुझे डेट करना चाहती हो। तो गोजा कहती है मैं बस इसलिए पूछी क्योंकि तुम टॉमबॉय टाइप की लगती हो और कुछ रीज़न नहीं है। और ये कहकर ये दोनों ही स्माइल करने लगते हैं और यहीं पर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ख़त्म होती है। फ्रेंड्स अगर आप सभी को ये सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को जल्दी ही एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूँगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।